और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो छापेमारी का सिलसिला आयकर विभाग की ओर से चल रहा था, उसमें नोटों की बरामदगी लगातार बढ़ती जा रही है, 200 करोड़ से ज्यादा, और बताया जा रहा है कि लगभग 250 करोड़ मिले। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटों की गड्डियों वाली तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा है कि आईटी रेड में जो ये बरामद किए गए हैं नोट, उस पर पीएम ने लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो पीएम ने इस ट्वीट के साथ साथ लाफिंग इमोजीज, नोट और क्रॉस की जो इमोजीज होती है उनका इस्तेमाल किया है, और जो ये रेड चल रही है इसमें जो आरोप के घेरे में है वो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका जो शराब से जुड़ा हुआ कारोबार है उसके तहत अलग अलग जगह पर ठिकाने में छापेमारी की गई है, 20 जगहों पर इतने नोट बरामद किए गए हैं कि नोटों की गिनती करने वाली मशीन खराब हो गई, 3 राज्यों में छापेमारी का यह सिलसिला चल रहा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, अलग अलग जगह बड़े पैमाने पर नोट बरामद किए जा रहे हैं, शराब कंपनी के इन ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इन नोटों की बरामदगी करने वाली कंपनी से धीरज साहू के तार जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा पीएम ने इस मुद्दे को सीधे सीधे INDIA गठबंधन से जोड़ दिया है और कहा है कि जब ईमानदारी की बात इस गठबंधन के नेता करते हैं तो आप इन नोटों की तस्वीरों को याद रखिएगा। पीएम के ट्वीट को भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को याद रखें। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए, पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाढ़ी कमाई, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के हाथ 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कलेक्शन कितना है? और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार जो हुआ था महादेव ऐप का, उसको उठाया था। जनता ने मोहर लगाई श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, उनकी ईमानदारी पर। और बड़े गर्व से मैं कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक्स पे वक्तव्य भी है, उसको आपके समक्ष रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, और नीचे जनता से जो लूटा है इसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये जो दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा है, यही एक आशा की किरण है भारतीय राजनीति में। आज आम आदमी जानता है, जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी, ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठाना अति आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार
हो नहीं सकता है, और साथ में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। दूसरा, पाई पाई जो आपने भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में आता है, और ये जनता का सवाल है, ये जो घमंडिया इंडी अलायंस, ये दीमक की तरह हमारे देश को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे नागरिक के अधिकारों को क्यों खा रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी, पापी आप, टीएमसी, ये सारी पार्टियां आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई हैं, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का। और सबसे बड़ी बात है, इस पे सोनिया गांधी जी चुप, खड़गे जी साइलेंट, राहुल गांधी याददाश्त चली गई। कौन है धीरज साहू? जब उनकी तिजोरी भरी जाती है इस भ्रष्टाचारी कृत्यों से, तो याद रहता है कि रुपया लेना है, महीने की वसूली करनी है। लेकिन आज जब जनता पूछ रही है ये 100 करोड़ रुपया 9 अलमारियों में निकलता है, हिम्मत है राहुल गांधी की, खड़गे जी की, कि बाहर आए? हेमंत सोरेन जी, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन कहे या ठगबंधन कहे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता है। और ये फिर से शराब घोटाला है। हम सब जानते हैं संविधान में जो रूपरेखा दी गई है, एक्साइज, ये प्रदेश की सरकार का एक विषय है। आपने क्या कार्रवाई करी है? आप चुप क्यों हैं? क्या आपका भी कट आता है इसमें? और हम मांग करते हैं, हेमंत सोरेन जी की नाक के नीचे एक के बाद एक घोटाले होते रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मनरेगा में 550 करोड़ का घोटाला झारखंड सरकार का, कोल एलोकेशन में घोटाला, इलीगल माइनिंग में 1500 करोड़ का घोटाला, रूरल डेवलपमेंट के जो फंड्स है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला, लैंड स्कैम, जमीन को लेके 3000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला 1500 करोड़ का। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, और आप इंतजार कर रहे थे कि पहले जांच एजेंसी रेड मारे, और जब रेड मारेगी तो अभी सब निकल आएंगे बाहर, राजनीतिक द्वेष से हो गया, हमें टारगेट किया जा रहा है। जी नहीं जी, कानून अपना काम कर रहा है और आपको बता रहा है कि कानून की ताकत क्या है, लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत क्या है, यह बात स्पष्ट हो गई। और जैसा मैंने कहा, घमंडिया की इंडी अलायंस की एक ही गारंटी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट और दलाली। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मैंने आपको बताया किस तरह से अभी अक्टूबर माह में बेंगलुरु में कांग्रेस के रिश्तेदार के यहां से 42 करोड़ रुपया नकदी मिली। पिछले वर्ष जुलाई की बात करें, पार्था चैटर्जी याद करिए, मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में।